विधानसभा क्षेत्र के छौराही प्रखंड में रालोसपा प्रत्याशी सुदर्शन सिंह के द्वारा रोड शो निकाला गया, जिसमें तकरीबन 500 से ऊपर बाइक सवार इनकलाब जिंदाबाद सुदर्शन सिंह जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सावंत पंचायत अंजनी पंचायत होते हुए पड़ौरा एवं एकम्बा पंचायत में रोड शो करते नजर आए, जिसमें जनसंघ से मिलकर जीत की आशीर्वाद ली। बड़ी पार्टी के लिए अब जीत को लेकर सुदर्शन सिंह ने चुनौती की बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। सभी राजनीतिक दल सदमे में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सवाल यह है कि 5 साल राजनेता के रूप में विधान भवन में तो करेंगे ही, परंतु पेंशन जीवन भर मिलेगा। रोड शो का नेतृत्व रालोसपा प्रखंड अध्यक्ष राजीव कुमार राय ने किया, जिसमें मोहम्मद दानिश, आकाश कुमार, कन्हैया कुमार समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। बीटी न्यूज बिहार के लिए चेरिया बरियारपुर से हेमकांत सिंह की रिपोर्ट। चाहते हैं और इस बार जो है सुदर्शन सिंह को हमको जिताना है भारी मतों से, हम उनका सपोर्ट करते हैं। चेरिया बरियारपुर तो 10 वर्षों से बंधक बना हुआ है और यहाँ के समाज कल्याण मंत्री श्रीमती मंजू वर्मा जो मंत्री बनी है वो तो विकास तो चेरिया विधानसभा में किए नहीं हैं। वो तो बस सिर्फ मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में काम करने के लिए जाते थे और आते थे। यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ है, सड़कें जर्जर बनी हुई है, कांवर झील में देखिए पानी भरा हुआ है, किसानों की हालत दयनीय है, पानी का निकासी नहीं हो रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। गेहूँ का बुआई नहीं होगा, रैंचा का बुआई तो हुआ नहीं, गन्ना कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ के जो मंत्री हैं उनको ध्यान नहीं देते हैं। अब हम लोग एक ही निर्णय लिए हैं कि 10 वर्षों का जो शासन है उसको समाप्त करके हम जो एक नेता चुनने जा रहे हैं वो सुदर्शन सिंह हैं, जिनको इस बार हम लोग भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। आपका नाम? राजीव रंजन राय, प्रखंड अध्यक्ष रालोसपा छौराही।